कुछ सैयारे होते हैं, कुछ सितारे होते हैं कि जो इम्प्लोड हो रहे होते हैं, वो अंदर ही अंदर फट रहे होते हैं, कुछ एक्सप्लोड हो रहे होते हैं। तो ये सारे का सारा सिलसिला जारी है और इसके नतीजे में इन चीजों को वसअत मिल रही है। सूरज के बारे में कहते हैं कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला जा रहा है क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शन के नतीजे में ही हमें सूरज की गर्मी और हरारत महसूस होती है। ये अमल चलता चला जाएगा यहां तक कि सूरज इतना ज्यादा फैल जाएगा। एक तो ये कि अभी इस सूरज और जमीन इनके साइज का क्या मवाजना है, तो सूरज द सन इज अबाउट 109 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। जमीन से इतना ज्यादा बड़ा है ये सूरज, अभी इतना दूर है इसलिए हमें इसकी इस साइज का उस अंदाज से अंदाजा नहीं होता है। द सन इज 864,000 माइल्स अक्रॉस, इतने फासले पर है अभी, और ये 109 गुना डायमीटर ज्यादा है सूरज का जमीन से। तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो सूरज के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं और ये फैलता चला जा रहा है, इसी वजह से है कि ये इतना ज्यादा फैल जाएगा कि ये जमीन के इतना करीब आ जाएगा कि जिसको हम कहते हैं कि सूरज सवा नेजे पर होगा, क्योंकि ये फैलता यहां तक आ जाएगा कि सूरज सवा नेजे। तो फिर मेरी अल्लामा लियाकत अज़हरी साहब से बात, उन्होंने कहा फिर ये वो मामला है, ये वो आलम है कि जिसकी वजह से कहा गया कि रोजे महशर आलम ये होगा कि हर इंसान अपने पसीने में यहां तक डूबा हुआ होगा, इसलिए कि सूरज इस अंदाज से सवा नेजे पर होगा। और सूरज के दर्जा हरारत पर सुनेंगे, 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कराची में, तो हम कहते हैं हीट वेव आ गई भाई, महफूज रहना, बाहर नहीं निकलना, क्यों, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। कितना है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। सूरज कहां है इस वक्त, 864,000 मील दूर, ठीक। तो 45 डिग्री से हीट वेव है, घर में रहना, बाहर ना निकलना। अब अगर सूरज सवा नेजे पर है तो इस सूरज का दरअसल टेम्परेचर कितना है, ये भी मैंने उनसे अगर जब मैं पढ़ चुका था लेकिन मुझे यकीन ना आया, ये मैंने उनसे फिर पूछा कि सूरज का दर्जा हरारत कितना है, 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड, 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड है सूरज का दर्जा हरारत। और ये है सूरज का जो दर्जा हरारत, यानी बाहर से जो होता है, टेक्निकली स्पीकिंग जो कोर ऑफ सन है, यानी ये तो 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड वो है कि जो अगर सूरज से इतनी गर्माहट महसूस हो रही होती, लेकिन अगर सूरज के अंदर जाया जाए और कोर ऑफ सन का टेम्परेचर देखा जाए, तो तारी मोहसिन साहब कोर ऑफ सन का टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ये अब इससे अंदाजा लगाइए। और फिर मैंने एक सवाल ये भी जानने के लिए उलमा से पूछा कि इतनी जो भी आप मुझे इतनी गर्मी के बाद तो फिर इंसान सर्वाइव कैसे कर पाएगा, मतलब वो तो इंसान तो जिंदा ही नहीं रह सकते इतनी गर्मी के बाद। क्या अभी हम 45 डिग्री, अभी 45 फर्ज कीजिए 100 डिग्री हो जाए तो क्या हाल होगा। फिर ये फरमाया उलमा ने कि भाई यही तो मामला है, अगर इस अंदाज की तपिश और गर्मी ये इंसान अगर महसूस ही ना कर सके और उससे पहले मर जाए तो फिर अजाब क्या हुआ, फिर तकलीफ क्या होगी, फिर क्या, ये यही तो है फिर मामला। तो मैंने ये भी जानने के लिए पूछा कि क्या ये कहना ठीक है कि चूंकि अल्लाह ताला मौत को ही मौत दे चुका होगा तो फिर किसी को मौत ही नहीं आएगी, फिर तो जिसने ऐशो आराम में रहना है उसने उस आलम में रहना है, और जिसने सख्तियों को अजाब की झेलना है उसने इस आलम में रहना है। कहले कि हाँ एक मामला ये भी बिल्कुल ऐसा ही। तो साइंस के मुताबिक भी सूरज भी एक दिन बिलाखिर अपनी तबई उम्र पूरी करने के वक्त आग का एक बहुत बड़ा गोला बन जाएगा और फिर तबाही से दो चार हो जाएगा, फट कर बिखर जाएगा और हमेशा के लिए उसकी अजीम रोशनी और हरारत खत्म हो जाएगी।